नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हमारे साथ हैं भोजपुरी फिल्म के सबसे बड़े फिल्म वितरक प्रवीण जी। और प्रवीण जी के आज ऑफिस में मैं कुछ उनसे सवालात करने के लिए पहुंच चुका हूँ। कैसे प्रवीण जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं लॉकडाउन के बाद से, आप क्या बात है। लॉकडाउन में घर में बैठ के खाया हूँ ना, अच्छा, इसीलिए खूबसूरत लग रहा हूँ यहाँ। तब तो खत्म हो गया सारा चावल दाल। बिल्कुल, फिर से शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पिक्चर लगी है, पोस्टर, हम हैं हिंदुस्तानी, खेसारी लाल यादव जी पोस्टर में दिख रहे हैं। और इधर भी मैं देख रहा हूँ कि बागी का लगा हुआ है, देखिए। तो मैं प्रवीण जी से जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी फिल्में अभी तक आपने रिलीज किया है। देखिए, अभी तक खेसारी जी का मैक्सिमम फिल्म मैं, और खेसारी जी का पिक्चर श्योर शॉट होता है, कभी नुकसान नहीं हुआ है। जैसे कौन कौन सी फिल्मों के जरा नाम बता दे। और जैसे अभी पिछले होली में, मतलब लॉकडाउन के पहले होली में बागी किया था, सुपर डुपर हिट था। उसके पहले हमें हिंदुस्तानी किया, कच्चे धागे किया, बंधन किया, बहुत सारी फिल्म है। तत्काल पूछेगा तो सब याद नहीं पहली आएगा। फिल्म जो उनकी थी, उस हिसाब से अभी का क्या उनका ग्राफ चल रहा है। अभी भी हिंदुस्तान में भोजपुरी का वो सबसे सुपरस्टार हैं। आज भी उनकी बिजनेस हो रही है, आज भी उनकी पिक्चर एमजी में बिकती है, सिनेमा हॉल वाले भी खुशी पूर्वक लगाते हैं पिक्चर, ऑडियंस भी जा रहे हैं देखने। आज भी सबसे बढ़िया, मतलब समझिए कि अभी स्टार वही है भोजपुरी का। खेसारी लाल यादव को सब बोलते हैं ट्रेंडिंग स्टार है, इस पे कितना सच्चाई अब है। ये तो गलत लोग बोलते हैं, जैसा जिनका, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ ना, मैं उनका पिक्चर लेके सिनेमा हॉल में लगाता हूँ, दर्शकों के पास पहुँचाता हूँ, दर्शक खुश हैं उनके पिक्चर से। अब मैक्सिमम पिक्चर मैं उनकी रिलीज कर रहा लॉकडाउन के हूँ। बाद फिर से होली आ गया है, क्या कुछ प्लान है उनको लेकर रिलीज करने हाँ, का। होली में एक उनकी बहुत बड़ी पिक्चर है, मैं डील किया हूँ, अभी नाम नहीं बताऊंगा, वो होली के समय रिलीज है। और प्रवीण जी, कुछ कुछ तो फर्क पड़ा होगा लॉकडाउन के बाद फिल्मों को लेकर के। थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, तो फिल्म पे फर्क इसलिए पड़ा है, उसका कई कारण है। कोरोना, अभी बीमारी, इतना बड़ा कोरोना बीमारी आई है, लोग थोड़ा डर रहे हैं, धीरे धीरे लोग घर से निकल रहे हैं, सिनेमा हॉल की ओर जा रहे हैं। बिहार के जो दर्शक हैं सिनेमा हॉल में जो पिक्चर देखने जाते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे। दर्शकों कहेंगे कि अब लोग डर को बाहर निकालिए और सिनेमा हॉल में आइए, देखिए पिक्चर, एंजॉय कीजिए। थैंक थैंक यू सर। यू, थैंक यू।